देर रात मतगणना स्थल पर सपाइयों का डेरा, बोले गिनती के बाद हटेंगे। बड़ी संख्या में सपाइयों के पहुंचने पर इलाका छावनी में तब्दील। मौके पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ। बातचीत के दौरान सपाइयों से सीओ की तिखी नोकझोंक। सपाइयों ने प्रशासन पर बगैर चेकिंग के वाहनों का अंदर जाने का लगाया आरोप। अखिलेश यादव के आदेश पर मंडी गेट के पास डेरा डाले हुए हैं सपाई। स्ट्रांग रूम की कर रहे हैं निगरानी। अध्यक्ष जी, ये बताइए कि अभी आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं मंडी समिति में, जहाँ पर ईवीएम मशीनें रखी हैं और परसों इसका जो है नतीजा आना है, तो किस संभावना को लेकर आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं और क्या किसी का आदेश पे आप लोग आए हैं, कैसा है ये पूरा प्रकरण? देखिए, अभी कई जगह जानकारी हुई है कि कई जगह ईवीएम मशीनें पकड़ी गई हैं बनारस में, और जो है पूरा वीडियो भी आया है। और समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी का निर्देश भी है कि हम लोग जो है रात में जहाँ भी स्ट्रांग रूम है, हम सभी समाजवादी पार्टी, उन्होंने ये आदेश किया है कि सभी नौजवान और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता साथी ईवीएम और मत की सुरक्षा के लिए आप लोग जहाँ स्ट्रांग रूमों पे जो है लगें। इसीलिए हम सभी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता, क्योंकि किसी तरह की भी बेईमानी न हो, हम लोग यहाँ आकर के अपना खड़े हैं शांति से। क्या आपको प्रशासन और मिलिट्री जो यहाँ मौजूद है, जो चुनाव संपन्न कराने के लिए भेजी गई है, और जो जिला प्रशासन, क्या आपको उस पर भरोसा नहीं है? नहीं, चूंकि भरोसा है, लेकिन फिर भी हम लोग अपने जो है ऐतिहासिक रूप में हम लोग खड़े हैं यहाँ कि कोई ऐसा न हो किसी भी तरह के, कोई जो है, चूंकि कई जगह मशीनें पकड़ी गई हैं, इसलिए हम लोग अपनी सुरक्षा के लिए और जो है लोकतंत्र बचाने के लिए, चूंकि उत्तर प्रदेश में आप लोग खुद देख रहे हैं किस तरह से जो है ईवीएम बनारस में कई जगह पे जो है ईवीएम पकड़ी गई हैं, बॉक्स पकड़े गए हैं, इसलिए हम लोग सभी समाजवादी पार्टी के लोग सुरक्षा के रूप में खड़े हैं। लगभग 30 घंटे के बाद यहाँ काउंटिंग शुरू होनी है मंडी समिति स्थल में, जहाँ मशीनें हैं, तो अब क्या लगता है कि आप लोग कितनी देर यहाँ रुकेंगे? क्या रात भर रुके रहेंगे आप लोग? बराबर रुकेंगे।